एसीबी ने सिकटर जिले में रिंग्स में एक सरपंच को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ने निर्माण कार्य का बिल पास कराने के लिए 2,10,000 रुपए कमीशन की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता मोहनलाल यादव ने 13 सितंबर को शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि जैतूसर ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसने अपनी फॉर्म के नाम से टेंडर जारी करवाकर निर्माण कार्य करवाए थे। निर्माण कार्य पूरे हो जाने के बाद भी पंचायत की ओर से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। सरपंच श्रवण कुमार ने शिकायतकर्ता से 20% कमीशन के हिसाब से 2,10,000 रिश्वत की मांग की थी, तभी बिल की भुगतान करने की बात कही। मोहनलाल यादव की शिकायत के बाद एसीपी ने मामले का सत्यापन करवाया और ट्रेप की कार्यवाही की। 23 सितंबर को सरपंच श्रवण कुमार ने मोहनलाल को पैसे के साथ बुलाया, जिसके बाद जैसे ही मोहनलाल पैसे लेकर पहुंचा, सरपंच ने उसे अपनी कार में बिठा लिया और रिश्वत ले ली, जिसके बाद एन मौके पर एसीबी टीम ने सरपंच को दबोच लिया। एसीबी ने आरोपी श्रवण कुमार से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सही बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 5। धन्यवाद।